कि आपको पता है कि आजकल गर्मी है, बहुत शिद्दत की गर्मी हो रही है, तो इसलिए जो ये वायरल डायरिया फैल गया है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, माने जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें लूज मोशन और कभी कभार उल्टी भी आती है। तो अगर किसी बंदे को थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की कमी, जिसकी वजह से उसको थोड़ा मुश्किल में मुबतला हो सकता है। तो पिछले दिनों हमारे केवा विलेज में कुछ ऐसे केस आए थे, कोई 15-20 केस आए थे, लेकिन अलहमदिल्ला अब हमें वो वहाँ से उतने केस नहीं आ रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का तो अभी आते रहेंगे केस, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पर्टिकुलरली आजकल शादियों का मौसम है, तो लोग वाजवान खाते हैं या कभी कभार उसको घर ले जाते हैं, फिर उसको 2-3 दिनों के बाद खाते हैं। तो मेरे लिए मैसेज ये है कि एक तो आप पानी जो है, चाहे नलके से आए, ट्यूबवेल से आए, कहीं से भी आप पानी लें, मगर उसको आप आजकल बॉयल करें और कम से कम 20 मिनट बॉयल करके फिर ठंडा करके पिएं। और दूसरा ये है, अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। वो है कि मतलब आप जब भी वॉशरूम जाएंगे तो पहले हाथ धो लें, वॉशरूम निकलने के बाद हाथ धोने, खाना खाना है या कुछ भी खाना है तो खाना खाने से पहले हाथ धोएं, क्योंकि जितना जब तक आप सफाई रखेंगे और बॉयल पानी पियेंगे तो इससे जो है अब बहुत फर्क पड़ेगा और जो हमारी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जो केसेस हैं इसमें बहुत कमी आ गई है।